हकूक़ नस्मा के नाम पर औरत के हक़ ह्यूमन वीमन राइट्स के नाम पर उन्होंने औरतों को हकूक दे के तलाक़ के इख्तारा दे दिए कि भाई इससे औरत का हक बढ़ जाएगा आज भी खोलमा बताते हैं डिवोर्स का हक इस्लाम में सिर्फ किसके पास है बोलो मर्द के पास है जज के पास जज किसी की बीवी को तलाक नहीं दे सकता और ये मैं ये जो बार बार कहता हूँ ना जज का अदालत का खुला इसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाए चंद शर्तों के ये मैं चंद दिन तक कहता रहूँगा उसके बाद मुझ पर भी पाबंदियाँ लग जाएंगी ये बता दूँ इसलिए उससे पहले पहले सुन के आगे फैला दो गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि आप अदालत के कानून के खिलाफ खुले आम मंबर पर बैठ के बोलते रहो और हुकूमत आराम से खामोश बैठी रहे ऐसा नहीं है ऐसे के मुँह भी बंद किए जाएंगे जो अदालत के खुला के फैसले को कहते हैं रदी की टोकरी में फेंक दो मेरे पास ऐसे कई केसेज आए हैं मैंने जब सुना तो खुतिन ने कहा कि भई यह अदालत मैंने खुला के जब वो तहरीर पढ़ी मैंने कहा मोहतरमा ये किसी बकरी को खिला दें इसकी शरीय में कोई हैसियत जिस खुदा ने आपको इस मर्द की बीवी बनाया हलाल किया है उस खुदा के हुक्म पर ही आप इस पर हराम होगी इसके बगैर किसी और के लिए हलाल नहीं हो सकती समझते हो तो पकड़ा रहे आपकी बीवी का किसी से नाजायज ताल्लुक़ हो जाए बीवी जाके बोलते हैं मुझे नहीं रहना अदालत कह की जाए खुला की डिग्री ले भाई जाँ चाहे शादी का ऐसे थोड़ी होता है इस्लाम में नहीं आ रहा समझ में तो छोड़ो रहने दो तो अदालत ने तो खुला कर दिया मैं कहता हूं जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे, नहीं दे सकता हम हुकूमत के ये तो लिबरल लोग हमें हुकूमतों के गुलाम बना रहे हैं वैसे ये कहते हैं हम गुलामी के कायल नहीं है भाई तुमने हमें खुदा की गुलामी से निकाल के हुकूमतों का गुलाम बना दिया कि अपनी बीवी भी आपकी अपनी नहीं रही है वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से आप रख सकते हो समझ में नहीं आ रही बात गवर्नमेंट कहेगी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी बीवी है नहीं है तो नहीं है इस्लाम नहीं मानता इसको इस्लाम कहता है हिजाब कबूल हो गया आपकी बेगम ठीक है ना डिवोर्स दे दी खत्म जज की डिवोर्स कोई मोतबर नहीं है सिवाय चंद कंडीशन में चंद कंडीशन ऐसी जिसमें जज भी जज भी निकाह खत्म कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कम है तो ये बातें ओलमा ही बताते हैं जो दीन के ठेकेदार ना कहो लेकिन चौकीदार अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि वो इस्लाम में तहरीफ नहीं होने देंगे और जो औरतें अदालत के खुला को मानती हैं मैं उनसे एक बात कहता हूँ जब मुफ्ती फ़तवा देता है ना कि ये अदालत का खुला गलत है औरतें कहती नहीं मैं नहीं मानती इसको मुफ्ती के फ़तवे को तो भाई सिर्फ मुफ्ती के फ़तवे को नहीं आप पूरे इस्लाम का इनकार करो क्योंकि ये चारों फ़िका का फतवा है हैफी शाफी मालिकी हम बलो चारों फिका के उलमा का फतवा है कि अदालत का जो मौजूदा खुला का पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है वो सौ फीसद बोलो गैर उससे बीवी निका ख़त्म नहीं होता ना वो किसी और के लिए हलाल होती सिवाय चंद सूरतों के तो जब आप औरतें अदालत से खुला लिया करें ना और वो मुफ्ती के फतवे को नहीं माने तो भाई मुफ्ती ही की फतवे पर तो निका आपका हुआ था और शोहर के लिए क्या हुई थी हलाल वही इस्लाम मुफ्ती ही तो फतवा देता है इस्लाम की बेस पर कि जब आपका शोहर मरेगा तो आपको उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा मुफ्ती ने तो कहा ना जब आपका अब्बा मरेगा तो आपके अब्बा की जायदाद में आपका हिस्सा होगा तो अगर आपने इस्लाम को अपनी डिक्शनरी से निकाल लें तो फिर पूरा निकालें आप।, आप कहें हम मुफ्तियों के फतवाओं को नहीं मानते हम इस्लाम को नहीं मानते हम अदालत के खुला को मानते हैं तो भाई फिर अदालत के खुला को आप मान रहे हो जबकि सारे मुफ्ती कह रहे हैं ये कल है इसकी कोई हैसियत नहीं है इसका मतलब आप इस्लाम को नहीं मानते तो जब इस्लाम को नहीं मानते तो फिर आपको आपके बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि अंग्रेजों के हाँ बाप की विरासत में बेटी का हिस्सा बोलो नहीं होता जब तक वसीयत ना की हो समझते हो अंग्रेजों के हां शोहर के जिम्मे नहीं है बीवी के हुकूक और नान नफका उठाना तो आप अपने मियां से अंडे पराठे के पैसे अबे बोल लो ना नहीं मांगा करो ये तो इस्लाम ने पाबंदी लगाई है कि इसको खिला मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुन के तू कम बहत ने चार शादियाँ तो कर ली है कल एक साहब मुझे कहने लगे कि कौन कुछ ऐसी मिसाल दें कोई ऐसी गलती जो रिवर्स नहीं हो सके गलती तो हो गई है वो वापस मैंने कहा चार शादियों वाली गलती है जब एक दफ़ा हो जाए वह हो गई जैसे चक्की में एक इतना सा पल्लू फंस जाए ना तो अब ये निकल सकता है अब ये पूरा बंदा ही अंदर जाके कीमा बन के निकलेगा तो आप कहते हैं एक तरफ डराते भी हो एक तरफ कहते भी हो करो तो मैं ये डराता इसलिए हूँ कि ये सोच के किया करो ठीक कीमा बन के निकलेगा सवाब मिलेगा सवाब बहुत मिलेगा तो तो ये जो इस्लाम के हकाम हैं फिर औरत इससे जो फ़ायदा उठा रही है फिर ये उठाना भी छोड़ दो शोर से अंडे पराठे के पैसे मत मांगा करो शोर से गैस बिजली का बिल अमेरिका में नहीं होता भाई मियाँ अपनी अलग चाय बनाता है बेगम साहेब अपनी अलग चनाए वो अपने पैसों के पापे उसमें डुबो डुबो के खाता है बेगम के अपने पैसों के पापे आते हैं जो उसमें डुबो डुबो के खाती हैं समझते हो बच्चों का भी दोनों मिल मिल के खर्चा उठाते हैं अगर हो जाए और पता चल जाए कि यही वाला है ठीक है ना फिर वरना वो भी नहीं होता था तो उनके यहाँ तो फिर ये है आज़ाद जिंदगी फिर बुढ़ापे में अब कोई हुकूक वकूक नहीं है कि माँ के कदमों में किसी अंग्रेज को देखा माँ के कदमों में जन्नत मन्नत तलाश करते हुए हुकु देखा कभी किसी ने है भाई कि अब्बा की पेशानी पे मोहब्बत से अंग्रेज़ देख रहा है ताकि मुझे हज उमरे का सवाब मिले हैं और डैड वाह वाह व्हाट आर यू हियर वो इस तरह कहेगा डैड तुम ये क्या कर रहे हो यार तुम्हें तो ओल्ड हाउस में होना चाहिए था डैड शर्म नहीं आती <laughs> अपने दादा को तुमने वहाँ भेजा हुआ था तो डैड वो ये इस तरह करके अगर वो डैड पता चल जाए कि ये डैड है वरना कन्फ्यूजन भी होती है कि डैड आर यू माई डैड रियली तो ये कल्चर है अगर इस्लाम को छोड़ते हो तो इसलिए ख़्वीन जो बार बार मेरे बयान पे गुस्सा होती हैं ना कि मैं जब कहता हूँ अदालत का खुले से निकाह ख़त्म नहीं होगा जज को अपनी बीवी को तलाक दे सकता है दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता तो ये बातें औरतें गुस्सा होती हैं कि हमारे हकूक़ पर डाके डाल रहा है हमें बाउंड बना दिया मियाँ का तो भाई फिर आपको अगर आज़ादी चाहिए तो फिर हर किस्म की आज़ादी फिर मियाँ मियाँ नहीं होता फिर बॉयफ्रेंड होता है मियाँ की फटीक क्यों फाली हुई है माजरत के साथ फिर वो ये क्लिप आ जाएगा देखो ये मेम्बर में बैठ के फटीक मटीक के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो है तो टेंशन ही ना <laughs> टेंशन की जब सुपर लेटिव डिग्री फटीक है टेंशन तो बहुत हल्का लफ्ज है <laughs> सही है ना तो ये मिया की टेंशन क्यों पाली हुई है ये बच्चों को मियाँ क्यों लेके जा रहा है मियाँ बोले भाई बस ने पैदा किए सिंगल मदर का भी तो एक सिस्टम है ना गोरों के हाँ तो ये सारे जो तुम्हारे सास का तुम्हारी अम्मा का एहतराम कर रहा है तुम्हारे अब्बा का एहतराम कर रहा है तो ऐसा इस्लाम ने ही सिखाया ये सब चीज़ें वरना ये ये चीज़ें नहीं होती तो जब इस्लाम ने आपको इतने सारे हकूक़ दिए हैं तो उस मखंचू को भी कुछ हकूक़ दिए हैं जो फुलतरू की इसरात की तरह आपके साथ चिपक गया है जो सुबह शाम अंडे पराठे ला ला के खिला रहा है आपके बच्चों को पाल रहा है आपका इलाज का ख़र्चा उठा रहा है बाप को मकान लेके दे रहा है गैस बिजली का बिल लेके दे रहा है आपको वो सारे उठा रहा है तो अल्लाह ने उसको ये हक दिया है कि तू छोड़ेगा तो ये छूटेगी वरना नहीं छूटेगी ये उस पर जिम्मेदारियाँ भी तोड़ा और इसमें आपका फ़ायदा भी है ना औरतें तो ऐसी होती हैं जर से तलाक ली उधर ली ऐसी बहुत सारी औरतें हैं वो फिर वो वाला वो पुराना वाला याद आ रहा है इतने केसेस मेरे पास हो चुके हैं खुला लेने के बाद कह रही नहीं, नहीं पुराना वाला ही ज़्यादा अच्छा था पुराना वाला कह रहे जाओ दफाओ यहाँ से मैं नहीं रखूँगा तो वो तो क़वत फैस, फैसला नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है इस उम्मत में ओलमा जिन्होंने इस्लाम में तहरीफा से सुबह शाम अंडे पराठे ला ला के खिला रहा है आपके बच्चों को पाल रहा है आपका इलाज का खर्चा उठा रहा है आपको मकान लेके दे रहा है गैस बिजली का बिल लेके दे रहा है आपको वो सारे उठा रहा है तो अल्लाह ने उसको ये हक दिया है कि तू छोड़ेगा तो ये छूटेगी वरना <laughs> नहीं छूटेगी ये तो उस पर जिम्मेदारियाँ भी तोड़ा और इसमें आपका फायदा भी है ना औरतें तो ऐसी होती हैं इधर से तलाक ली उधर ली ऐसी बहुत सारी औरतें हैं वो फिर वो वाला वो पुराना वाला याद आ रहा है इतने केसेस मेरे पास हो चुके हैं खुला लेने के बाद कह रही नहीं पुराना वाला ही ज़्यादा अच्छा था पुराना वाला कह रहा है जाओ दफाओ यहाँ से मैं नहीं रखूँगा तो वो तो फैसल, वह फैसला नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है इस उम्मत में उलमा हैं जिन्होंने इस्लाम में तहरीफ़ा से